आज आपण मान सहित सेयार करी फुलकोबी एक टेस्टी जलखिया जहाँ आपण मैंने पिलाफिन बक्स भी देपारे ताल भिड को संपूर्ण देखनी आशा करी आज भिडटी आपण मानक पसंद आसव। नमस्कार लक्ष्मी ओडिया रेसीपी को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत करुच्चे। गोटे कोबी रु पाँच रु छुड़ा हाँ कोबी नहीं कोबी की मुझे भल से धोई भी देखिए कोबी की धोई सारापर गोटे क्रस प्लेट साको भल से क्रस करने एबे देखु मु सब कोबी की मुझे बढ़िया से क्रस कर गोटे पैन को गरम कर नहीं पैन गरम होगा मुझे दुई चमच रिफाइन तेल दे दूँ तेल को भल से गरम करने एबे इथरे तीन रु चार सुखिला लंका दे दूँ अधा चमच जीरा अधा इंच अदा को मुझे काटिकी दे दूँ आठ रु दस पकुड़ा हाँ रसुण देदेवे गोटे चमच मधुरी अधा चमच हेंगु दे दूँ भले से भाजीदेवे हेले लो फ्लेम्रे ही मसला को भाजबे टिके भाजी सारापर एबे इथरे मु दुईटी टमाटर नहीं टमाटर को दुई फाल करके मसला उपर देदेवे गोटे पियाज को मुझे चारि खंड करके भी दे दूचे पियाज टमाटर सब दे सारापर एबे लो फ्लेम्रे दुई मिनट पर घोर देवे एबे देखो तो टमाटर टी आम अधाड़िया भी सीझी आसला आ मसलाटा भल से भाजी भी होगला मसला भाजी होगला पर मुझे गैस को बंद करके मसला को टिके थंडा करने मसला टी थंडा हो गला पर मुझे ग्राइंडिंग जार नहीं ग्राइंडिंग जार रे सब मसला को दे दूँ सब मसला दे सर स्वाद अनुसार लुण ये अधा चमच एबे ग्राइंडिंग रे कवर देंगे भले से गोटे फाइन पेस्ट बनई ने देख तो मुझे जो कोबी की क्रस कर रखी थी गोटे बाउल को दे देखिए मुझे दुईटी कटा पियाज दे दूँ चार कंचा लंका को काटिक दे दूँ अदा और रसुण छेचा ये गोटे चमच हम देदेवे अल्प धनिया पत्र अधा चमच हल्दी गुंड अधा चमच लंका गुंड एबे इथिरे मु गोटी अंडा दे दूँ अंडा दे सारापर स्वाद अनुसार लुण ये अधा चमच बेसन मुझे चार रु पांच चमच बेसन नहीं दुई चमच बेसन देवी मुझे दुई चमच बेसन देखिए गोड़े नेबी यदि आवश्यक पड़े ताल बेसन देवी एबे देखो मुझे बढ़िया से गोल सारापर टिके मोर बेसन कम लगुच मुझे ए गोटे चमच बेसन दे दूँ गोटे चमच बेसन देलापर मोर ए बेटरटा बढ़िया से रेडीगला भले से आम गोल सारापर एम आपको छोट बा बड़ सैज्र जेको सैज्रे गोटे सेप भी देपारे स्क्वायर सैज्र सेप दे दूँ यहीपर आम सबूक सेप दे कि बनई रखने एमती जी बनइबे आप घर को जब कुणी आस तो फटाफट एमती भी बनीजी आउ बहुत टेस्ट भी रही जदि आपण मानी रेसीपी पसंद लगे तो प्लीज गोटे लाइक करनी जदि मो चेल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करनी एवं देखु मुझे सब कटलेट बनईली एवं पैन को गरम करी रिफाइन तेल दे दूँ तेल आम छाणी जी दरकार सेदेव एबे देखो तेल आम टे नॉर्मल गरम अच्छी मुझे नहीं बेडकॉर्न बेडकॉर्न सांगे आम गोटे चॉप को आणी ताऊपर भले से छापीदे बेडकॉर्न दे कि चॉप को छाणी देखिए देखा तो सुंदर लगे खाइबार भी बहुत टेस्ट रपरटा आमर क्रिस्पी रखु मुझे तेल को पूरा नॉर्मल गरम रखी से ही नॉर्मल गरम आम एम सब गोटा गोटा करके चॉप को देदेवे जदि आम हाई फ्लेम गरम देवे तेल ऊपर जो ब्रेड कर्नटा अच्छे से पोड़ आतरटा आम भले से सीझन से आम इतने नॉर्मल गरम रखिकी सब चॉप को छाड़ ने चॉप को जो दे सारे से मीडियम फ्लेम भी करने दुई मिनट पर दुई मिनट मीडियम फ्लेम कलापर देखिए गोटेपट सैड बढ़िया से ब्राउन कलर हो गला
एबे आमे को उल्टई नेबे। एबे देखो तो केते बढ़िया से हमर कलर भी आसी गलाणी आ चॉपटा पूरा रेडी हे गलाणी। एतर मो चॉप को सब बाहर कर नउ छी, देखिबा को तो बहुत सुंदर आ खाइबा को भी बहुत टेस्ट लागबो। एबे सब बाहर कर सैला परे बाकी थबा से चॉप को से तेल रे हमें दे देबे। एई परि हमें सब चॉप को रेडी कर नेबे। एबे देखो तो सब चॉप हमर रेडी हे गलाणी। अब चॉप संगे मु नहीं छी से जो चटनी बनई थी चटनीटा रेडी हो जाए। चॉप संगे जो चटनी खाइबे बहुत टेस्ट लगे। आ ये चॉपटा ऊपर जेते के क्रिस्पी रहइबो भीतर टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहइबो। आपन माने घरे आकु बनांतु केमती लागिला मते कमेंट करके जणांतु। आपन को जदी रेसिपी पसंद लागी तो प्लीज गोटे लाइक करनियंतु। थैंक यू।